कराची में नाले वाले लेखक हैं। कराची एडिटर्स क्लब के जनरल सेक्रेटरी मंजर नकवी जी किताब अमेजिंग चाइना जी महवरती तकरीब कोठाई वही कोठायल तकरीब में चाइना जी कौंसलर जनरल वांग यू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिप्टी एमडी जोहान नेशनल बैंक के एसईवीपी के अशोक महमूद सुधो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबन से लागापिल मानून वे अंग में शिरकत की। उन मौके से खिताब कदे चाइना के कौंसलर जनरल वांग यू चयो तो इन किताब से पाकिस्तान ए चाइना की दोस्ती अजा मजबूत थी। नेशनल बैंक के एसईवीपी शौकत महमूद चयो तो पाकिस्तान ए चीन विच में कारोबार के हथी वठण लाए डी रात कोशिशों कई पी वन। कराची एडिटर्स क्लब के जनरल सेक्रेटरी ए किताब के लेखक मंजर नकवी चयो तो किताब में चाइना के मानन की जिंदगी संदन कामयाबी बाबत तफसील मौजूद आहिन। अमेजिंग चाइना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी किताब साबित होगी, इसलिए कि अब फीचर जो है वो इसी पाक चाइना रिलेशनशिप पर मुनहसर है, इसलिए कि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को वो चाइना के ज़रिए ही हम हल कर सकते हैं, इसलिए कि जो खतरात हमें इस वक्त दरपेश हैं इंटरनेशनल और उसके अंदर चाइना तआवुन जो है वो लाजिम मलजूम है। और इस वक्त जो इस तकरीब में कौंसलर जनरल ने खुलकर बात की है और जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की बात की है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी इस वक्त खुशाइन बात है। एक किताब मेरी दूसरी किताब है अमेजिंग चाइना, इससे पहले मेरे पहले ट्रैवलॉग था अकेला एक ट्रैवलॉग था 2014 में, उस पर किताब आई थी वंडरफुल चाइना। फिर ये हुआ था कि 2015-16-17 तीन ट्रिप मेरे चाइना के इकट्ठे हो गए और मैं लिख नहीं सका था, तो फिर इन तीनों ट्रैवलर्स पे अब ये किताब है अमेजिंग चाइना। Amazing China. It's a very nice event, the Amazing China, the book I read. It wrote about China's development, wrote about Chinese culture, Chinese social activities, and also it wrote about how China and Pakistan can share their experiences and to promote the relations and to make